ये बहुत अच्छी पहल है मुकाम की। मैं काफी दिनों से इनको जानती हूँ, काफी दिनों से मैं ऐश्वर्या को जानती हूँ, वो अभी आगे आके बैठ गई है। और ये बहुत जरूरी है कि लड़कियों को सशक्त फील हो और वो कभी घबराए नहीं। मैंने भी बचपन में मार्शल आर्ट सीखा था, उससे मैंने ये आप लोग अपने आप को देख के वेव कर रहे हो क्या? मैंने भी बचपन में कलरी प्योरिटी और थोड़ा सा मार्शल आर्ट सीखा था, उससे मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। और मैं जितने पीछे माँ बाप बैठे हैं उनको कहना चाहूँगी कि एक ऐसी स्किल है जो आपके बच्चे अगर अभी सीख जाएं, ये लड़कियाँ अभी सीख जाएं, तो आगे बहुत फायदा होगा। इसमें कॉम्पिटिशन भी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, पर जो इनका एक्सप्रेस मोटिव है कि लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग फील करें, घबराए नहीं, डरे नहीं, जो रिस्पॉन्स होता है फ्रीज, फ्लाइट और फाइट में, तो फाइट को चूज करें, जितना मतलब जितना अवॉइड कर सके। ये सेल्फ डिफेंस की चीज़ हो उतनी अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि ईशिता किसी को हिंसा की तरफ धकेल रही है, बट ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चियों को लगातार इंस्पायर करते रहें। ऑल द बेस्ट मुक्कामार, और यहाँ सब टीम विनर्स है। ओके बाय। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनको स्कूल जाने के रास्ते में या पढ़ाई या ट्यूशन या दूसरी क्लासेस जाने के रास्ते में छेड़छाड़ की अक्सर खबरें आती हैं, जो बहुत दुखद है। पर लड़कियों को जितना ज़रूरी सेल्फ डिफेंस सिखाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी लड़कों को तमीज़ सिखाना है, क्योंकि अगर लड़के घर से बाहर निकल के बदतमीज़ी नहीं करेंगे तो लड़कियाँ सेफ़ महसूस करेंगी। तो मैं बस इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने आई हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इशिता, वो ये काफ़ी दिनों से रन कर रही हैं और उन्होंने अकेले ने इतनी बड़ी टीम बनाई है और इतना अच्छा कर रही है सोसाइटी के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर।